जिस तरह से आपने शुरू में बात करी थी कि शनि के आते ही, जैसे ही शनि जो है वो साढ़सती आती है, 7.5 साल की होती है, तो उसमें आपकी फाइल खुलती है, तो ये फाइल खुलने का अभिप्राय क्या है? मतलब फाइल खुलेगी तो क्या होगा? फाइल देखो जी, साठ से जब भी आती है, मैं आपको उदाहरण देता हूं जी। हम कोई गुनाह करते हैं, हमसे कोई क्राइम होता है, तो जज के सामने जो फाइल पेश होती है वहां पे शिफारिश नहीं चलती। ऐसे शनि वहां पे फिर भी चल सकती होगी, मैं ऐसा नहीं कह सकता, ना कहना हमें अपने कानून पे पूरा विश्वास है, वहां पे कोई शिफारिश नहीं चल। ऐसे ही शनिदेव है, शनिदेव जब भी आपको कार्य करोगे, बाकी सभी देव देवता अपने हिसाब से देते, लेकिन ये बहुत ही सख्त है। इनको क्या है, गरीबों का आदर करो, किसी को तड़फाओ नहीं, किसी के साथ आप जुलम जब दसने का करोगे तो आपको, जब आपके साठ सती आएगी तब आपको भुगतना पड़ेगा। जीवन में हर 30 साल के बाद आदमी को साठ सती हर एक राशि वाले को आती ही आती है। एक बार हर 30 साल के बाद। अच्छा, 30 साल के बाद। 30 साल को आएगी। अच्छा, 30 साल के बाद 7.5 साल के लिए आएगी। 7.5 साल के लिए। तो वो 7.5 साल तक उसे जितना कुछ उसने पुराने कर्म किए होंगे वो सारे उसमें पे किए जाएंगे। 7.5 साल उसका शुद्धिकरण 30 साल के बाद होगा ही होगा। ये निजाम ही ऐसा बनाया भगवान ने, सिस्टम ही ऐसा बनाया है, शनिदेव को जी उसका डिपार्टमेंट ही दे दिया है कि आपने देख लिखा जोखा देखना है जी। अगर वो ना देखेंगे तो इंसान डरेगा किसी से। तो कई लखपति बन जाते हैं, करोड़पति, तो उसी समय जब साठ हजार कई वो मुंह के बल गिरते हैं तो रोड पे आ जाते हैं। तो लोग इतने डरते क्यों? डरने वाली बात नहीं, डरना अच्छा। चाहिए नहीं, इनको शत्रु नहीं, इसको मित्र मानो आप। वो कैसे? मित्र अच्छा कर्म करो, सेवा करो भगवान का। ये नहीं कि जब आपके दिन अच्छे हो तो भगवान को याद नहीं किया, जब कष्ट में तो भगवान को याद किया। जैसे हो पूरी उम्र वैसे ही रहना चाहिए। लोग कहते हैं कि 7.5 साल में, ये 7.5 सती में लोग जो है, ये जब शनि का प्रकोप पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, तो इंसान जो है बिल्कुल ही जो है वो कंगाल सा हो जाता है, बिल्कुल ही मतलब आर्थिक स्थिति उसकी जो है कमजोर। ये सिर्फ कहने की बात है निशान, ऐसा नहीं होता। कोई भी ग्रह नुकसान कोई किसी का नहीं करता, सिर्फ अजय आपके पिछले जन्म के कर्म भी आ सकते हैं, वो सारा आपको कुंडली का अध्ययन करके पता चलेगा। जो मैंने आपको बताया, ये जनरल प्रेडिक्शन बताई है जो है, बाकी किसी का जन्म जैसे हुआ है, उसका शनि कुंडली में कहाँ बैठा है, कितने अंश में बैठा है, किसके साथ बैठा है, उसको कौन सा ग्रह देख रहा है, उन सब चीजों को देख के ही हम बता सकते हैं एग्जैक्ट कि उसको शनि का क्या फल मिलेगा। शनि का फल मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि अगर कर्म अच्छे हो तो कर्म के हिसाब से शनि का फल भी अच्छा ही। हाँ, ये तो सच्ची बात है। अच्छा, इसी पे तो दुनिया कायम है, इसी से तो हमारा सिस्टम चल रहा है, सृष्टि चल रही है। अच्छा कर्म करोगे, आप किसी को पानी पिलाओगे तो वो आपको दुआ ही देगा, बददुआ तो नहीं देगा। कोई अंधा आदमी, उसको आप बाजू पकड़ के रोड क्रॉस करवाओगे तो वो आपको क्या कहेगा? अगर आप उसको धक्का दोगे तो वो अच्छा तो नहीं ना, उसका आपको नुकसान मिलेगा। बिल्कुल। गरीब को कोई दवाइयों का दान करे। अच्छा। किसी का ट्रीटमेंट करवा दे, कोई लगड़ा आदमी है उसको बसाखी मीन स्पोर्टिंग स्टिक दे दे। बिल्कुल, उसको सपोर्ट मिलेगी, उसी की जो सपोर्ट है उसकी वो साठ सती को उसको वो मदद करेगी, साठ सती में उसको तकलीफ नहीं होगी। ऐसे काम करने चाहिए, उससे उसका भला होगा, मतलब शनि की ब्लेसिंग्स मिलेंगी। ब्लेसिंग मिलेंगी, डरने वाली कोई बात नहीं है, इसी से सबका कल्याण होगा।